नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना की प्रशंसा की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 64% हुए। बिहार और असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। दोपहर समाचार में अपनी सहयोगी पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर सभी देशवासियों की ओर से करगिल के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इन वीर जवानों के साथ साथ उनकी माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने मां भारती के इन सच्चे सपूतों को जन्म दिया। 21 साल पहले आज के ही दिन कारगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारण सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ, यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देशवासी करगिल विजय को याद कर रहे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के नौजवानों से शहीदों की शौर्य गाथा को लोगों से साझा करने का आग्रह किया। मेरा देश के नौजवानों से आग्रह है कि आज दिन भर कारगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। मैं साथियों आपसे एक आग्रह करता हूं, आज एक वेबसाइट है www.gallantryawards.gov.in, आप उसको जरूर विजिट करें। वहां आपको हमारे वीर पराक्रमी योद्धाओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होगी, और वो जानकारियां जब आप अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बनेगी। प्रधानमंत्री ने करगिल युद्ध के समय लाल किले से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के एक मंत्र की याद दिलाई थी। उस समय अटल जी ने कहा था, हम सभी को याद है कि गांधी जी ने हमें एक मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई दुविधा हो कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम भारत के उस सबसे असहाय व्यक्ति के बारे में सोचो और स्वयं से पूछो कि क्या तुम जो करने जा रहे हो उससे उस व्यक्ति की भलाई होगी। कारगिल ने हमें दूसरा मंत्र दिया है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हम ये सोचें कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरी सजगता और सतर्कता के साथ लड़नी है, तो दूसरी ओर कड़ी मेहनत से व्यवसाय, नौकरी या जो भी कर्तव्य हम निभाते हैं उसमें गति लानी है और उसको नई ऊंचाई तक ले जाना है। प्रधानमंत्री ने संकट की इस घड़ी में पूरे देश को दिशा दिखाने वाले कुछ ग्रामीणों का जिक्र करते हुए उनकी सराहना की। साथियों, कोरोना काल में तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। गांवों से स्थानीय नागरिकों के, ग्राम पंचायतों के अनेक अच्छे प्रयास लगातार सामने आ रहे हैं। श्री मोदी ने जम्मू में ग्राम तरेवा की सरपंच बलबीर कौर का उल्लेख किया, जिन्होंने अपनी पंचायत में 30 बिस्तरों के एक क्वारंटीन केंद्र का निर्माण किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि कश्मीर के गांदरबल के चौंटलीवार की जैतूना बेगम ने पूरे इलाके में मुफ्त मास्क और राशन बांटा तथा किसानों को बीज और पौधे भी दिए।
श्री मोदी ने अनंतनाग में नगर निगम अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल की भी प्रशंसा की जिन्होंने स्वयं ही स्प्रेयर मशीन तैयार की। प्रधानमंत्री ने बताया कि बिहार के स्व सहायता समूहों की महिलाओं ने मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाए। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा, मणिपुर और असम के शिल्पियों द्वारा बांस से पानी की बोतल और टिफिन बॉक्स जैसी वस्तुएं बनाने के लिए उनकी भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने नवाचार की आवश्यकता पर बल देते हुए बिहार के कुछ युवाओं का जिक्र किया। ये युवा सामान्य नौकरी करते थे, एक दिन उन्होंने तय किया कि वे मोती की खेती करेंगे। उन्होंने इस बारे में प्रशिक्षण लिया और आवश्यक जानकारी जुटाई। इसके बाद उन्होंने अपना काम तो शुरू किया ही, साथ ही अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को भी प्रशिक्षण देना शुरू किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ लोग और संस्थाएं रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अभी कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। उन्होंने कहा कि भारत का हैंडलूम और हस्तशिल्प अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है। ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात कार्यक्रम में कुछ प्रतिभावान बच्चों से बातचीत की। उन्होंने इन बच्चों की रुचियों और सपनों के बारे में जाना। श्री मोदी ने हरियाणा के पानीपत से कृतिका, केरल में एर्नाकुलम से विनायक, उत्तर प्रदेश के अमरोहा से उस्मान सैफी और तमिलनाडु से कणिका से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में देश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ का सामना कर रहा है। बिहार, असम जैसे राज्यों के कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण काफी मुश्किलें पैदा हुई हैं। सभी सरकारें, एनडीआरएफ की टीमें, राज्य की आपदा नियंत्रण टीमें, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। उन्होंने लोगों से कहा कि वे साफ सफाई पर ध्यान दें और प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री ने चंद्रिका प्रसाद संतोखी को सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी और भारतवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि श्री संतोखी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ की शुरुआत वेद मंत्रों से की और वे संस्कृत में बोले। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर इस महामारी से मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि हमारा देश महान विभूतियों की तपस्या की वजह से इस ऊंचाई पर पहुंचा है। हमारा देश आज जिस ऊंचाई पर है वो कई ऐसी महान विभूतियों की तपस्या की वजह से है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हीं महान विभूतियों में से एक है लोकमान्य तिलक। 1 अगस्त 2020 को लोकमान्य तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य तिलक जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, हम सभी को बहुत कुछ सिखाता है। कोविड महामारी में बहुत से लोगों, विशेष रूप से स्थानीय शिल्पकारों की आजीविका प्रभावित हुई है, लेकिन कुछ लोग इन प्रतिभावान शिल्पकारों को धन और प्रसिद्धि देने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के मधुबनी और दरभंगा के शिल्पकारों का उल्लेख किया। इनके खूबसूरती से कढ़े और रंगे हुए मास्क लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं। दरभंगा के लहरिया सराय की रजनी कुमारी ने बताया कि मास्क बनाने से उसे आय का साधन मिला है।
मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं बंगाली टोला लहड़ियासराय दरभंगा की रहने वाली हूँ। कोरोना से बचाव के लिए हम सभी को मास्क का उपयोग करना अत्यंत अनिवार्य है। हमने इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी मिथिला की समृद्ध मिथिला पेंटिंग युक्त मास्क बनाना शुरू किया, जिससे हमें दो फायदा हुआ। एक तो हमें अपनी कला को प्रदर्शन करने का मौका मिला, साथ ही इस कार्य से हमारे आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई। झारखंड में गुमला जिले के बिशनपुर खंड के नक्सल प्रभावित गांवों में 1600 से अधिक महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अनूठी पहल की है। इन महिलाओं ने स्व सहायता समूहों की मदद से लेमन ग्रास की खेती के नए तरीके अपनाए हैं। प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में इस पहल की सराहना की। ऐसी ही एक महिला किसान कलावती देवी ने अपना अनुभव आकाशवाणी से साझा किया। पहले यहाँ पे हम लोग धान मड़ुआ की खेती करते थे, उससे हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं होता था। और यहाँ पे पत्थर मतलब ढालू नमा जमीन है, जिसके चलते उतना उपजाऊ नहीं होता था। और नेमन ग्रास अभी हम लोग कर रहे हैं तो ये काफी उपजाऊ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कोविड महामारी की रोकथाम की दिशा में कम लागत वाली छिड़काव मशीन तैयार करने के लिए मोहम्मद इकबाल की प्रशंसा की। अनंतनाग के दूरू में नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, जो हमने कोविड-19 में अपना काम रोल निभाया पूरी रियासती जम्मू कश्मीर में, खासकर मेरे मैन पावर और मेरे स्टाफ ने मिलकर हमने जो काम किया इलाके के लिए, शायद वो सुनहरी हल्फों से लिखा जाएगा। और मैं आज जमीनी सतह के उस लीडर को सलाम करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को, जिसने आज मुझे इस बात के लिए चुना है कि पूरे इंडिया में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट होने के नाते कि मैंने अगर कोई मशीन बनाई उसके लिए मैं आभारी हूँ। और उसका बहुत 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 अपनी डूरू के लोगों से, डूरू शाहबाद के लोगों से, वीरीनाग के लोगों से शुक्रगुजार हूँ। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती की चर्चा की। उन्होंने कच्छ के किसानों द्वारा इस महत्वपूर्ण फल की खेती करने पर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ड्रैगन फ्रूट मूलभूत रूप से दक्षिण अमेरिका का फल है और पोषक तत्वों से भरपूर इस फल की भारत में आयात होती रहती है, लेकिन अब गुजरात के कच्छ क्षेत्र के किसानों ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस फल की बड़े पैमाने पर खेती करके उसका उत्पादन लेना शुरू किया है। यह फल विटामिन और मिनरल से भरपूर है। बड़ी मात्रा में विटामिन सी होने के कारण यह फल रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर अनेक पुरानी बीमारियों में लाभदायी होता है। कच्छ के प्रगतिशील किसान केशुभाई ठाकराणी ने कहा कि कच्छ के किसानों को ड्रैगन फ्रूट का अच्छा दाम मिल रहा है। सरहदी कच्छ जिला सूखा और अकाल से प्रभावित जिला है, लेकिन यहाँ के मेहनत कश किसानों ने अपनी सूझबूझ से ड्रिप इरिगेशन और गाय माता को साथ में रखकर ऑर्गेनिक खेती में बहुत बड़ा नाम किया है और अपने देश की शिकल बदलने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रयास में जुड़ गए हैं और अभी ड्रैगन फ्रूट की बागवानी शुरू करने का बहुत बड़ा काम किया है। ड्रैगन फ्रूट का यहाँ भारतर कम से कम 500 एकड़ से भी ज्यादा अभी भारतर हो गया है और किसानों को भी यहाँ मार्केट भी अच्छी तरह से अहमदाबाद, भूज, राजकोट के होटल वगैरह में अच्छी मिल रही है। बाजार में अच्छे दाम मिलने से भूज, गांधीधाम और मांडवी के गांवों में ड्रैगन फ्रूट की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना की प्रशंसा की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है।
कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 64% हुए और बिहार और असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस पर शूर वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिवस 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सेना ने करगिल सेक्टर को पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त कराया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मां भारती की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को नमन किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि करगिल विजय दिवस देश की सशस्त्र सेनाओं के निर्भीक संकल्प और असाधारण शौर्य का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश भारतीय सेनाओं के साहस और दृढ़ निश्चय को नमन कर रहा है, जिन्होंने 1999 में देश की रक्षा की। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा। गृहमंत्री ने कहा है कि करगिल विजय दिवस देश के गौरव, शौर्य और कुशल नेतृत्व का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि उन वीर सैनिकों को नमन है जिन्होंने अपने अदम्य साहस से करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से शत्रुओं को निकाल बाहर किया और वहां तिरंगा फहराया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि देश के बहादुर सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। भारतीय सेना ने कहा है कि ऑपरेशन विजय भारतीय सैनिकों के अदम्य शौर्य, साहस और बलिदान की गाथा है। 26 जुलाई का दिन संकल्प और साहसी नेतृत्व तथा सैनिकों के हौसले और पराक्रम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। करगिल युद्ध 60 दिन से भी अधिक समय तक चला। इस दौरान टाइगर हिल पर विजय एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है बल्कि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर्य का यह विजयोत्सव है। साथियों, हमारे देश में अनेक पर्व ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की याद दिलाते हैं। वैसे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतज्ञता को कभी नहीं भूल सकता, फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई ज्योति जला जाते हैं। कारगिल विजय दिवस भी उन्हीं महान पर्वों में से एक है। उधर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर फायर एंड फ्यूरी के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ने एक भावनापूर्ण कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दिल्ली में सेना अस्पताल को 20 लाख रुपए का चेक दिया। ये राशि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए उपकरण खरीदने के लिए दी गई है। राष्ट्रपति की ओर से ये अंशदान राष्ट्रपति भवन में खर्चों में कटौती करके बचाई गई राशि से किया गया है। इस अंशदान का उपयोग पीएपीआर उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा जो चिकित्सा कर्मियों को ऑपरेशन के दौरान स्वच्छ सांस लेने में मदद करता है और संक्रमण से बचाता है। राष्ट्रपति की ओर से ये सांकेतिक योगदान सेना अस्पताल में कोरोना का मुकाबला कर रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएगा। आशा है कि इससे और लोगों तथा संगठनों को भी अपने खर्चों में कटौती कर उस बचत को कोविड योद्धाओं के समर्थन में खर्च करने की प्रेरणा मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड-19 रोगियों को कलंक मानने की प्रवृत्ति और इस महामारी में जान गंवाने वाले लोगों को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार से वंचित रखने की घटनाओं पर क्षोभ व्यक्त किया है। ऐसी घटनाओं को पूरी तरह अवांछित बताते हुए उन्होंने स्थानीय समुदायों और समाज से अनुरोध किया कि इसकी पुनरावृत्ति न होने दें। श्री नायडू ने कहा कि इस समय हमें पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना चाहिए, अन्यथा ये प्रवृत्ति फर्जी खबरों और दुष्प्रचार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि कोविड-19 के रोगियों के साथ करुणा और सहानुभूति का बर्ताव करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नोएडा, कोलकाता और मुंबई स्थित तीन नई उच्च क्षमता वाली प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने कोविड महामारी की प्रारंभिक स्तर पर पहचान और उसे रोकने की रणनीति अपनाई है। इसके तहत परिषद ने कोरोना वायरस के प्रकोप से सफलतापूर्वक निपटने के लिए जांच की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड जांच क्षमता को बढ़ाने के पहले दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड संख्या में 36,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर लगभग 64% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.31% तक आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 8,85,577 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश में अभी 4,67,882 लोगों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में कुल 48,661 नए रोगियों का पता लगा। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या 13,85,522 हो गई है। कल एक ही दिन में 705 लोगों की मौत हुई है। देश भर में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 32,063 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि कल एक ही दिन में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 4,42,263 नमूनों की जांच की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब तक देश भर में 1,62,91,331 नमूनों की जांच की जा चुकी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर के लिहाज से दिल्ली सबसे ऊपर है, जहां इसकी दर 87.29% है। महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार को कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा दवाओं की कालाबाजारी से भी जूझना पड़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये लोग रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी में लगे हैं। कोरोना वायरस से प्रभावित रोगियों के उपचार में रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, ये दो दवाइयां प्रभावी साबित हो रही है। हालांकि राज्य सरकार के अनुसार इन दोनों दवाओं की आपूर्ति सीमित है। इस वजह से राज्य में इन दवाओं की कालाबाजारी में तेजी आई है। राज्य सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने और तदनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके चलते एक संयुक्त अभियान में FDA और पुलिस ने मुंबई और थाने में 4 स्थानों पर इन दवाइयों का कालाबाजार करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। खाद्य और औषधि प्रशासन मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि राज्य में इस मामलों की जांच के साथ और जहां ऐसे रैकेट चल रहे हैं वहां भी छापे मारे जाने चाहिए। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बावजूद वहां इससे होने वाली मौतों में कमी आई है। सिक्किम में कोविड 19 संक्रमण के फैलाव को देखते हुए वहां 21 जुलाई से लागू राज्यव्यापी लॉकडाउन को 1 अगस्त की प्रातः 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में संक्रमण के 356 सक्रिय मामले हैं। वहां कोरोना वायरस के कुल 499 मामलों में से 142 लोग अब तक इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। त्रिपुरा में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सोमवार सुबह से बृहस्पतिवार तक 3 दिन का राज्यव्यापी लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं, आपातकालीन सेवाओं तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले की तरह छूट दी जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में संक्रामक और संचारी रोगों के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉ रमन आर गंगाखेड़कर इस परिचर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में फोन नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर कॉल करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉ संजय पांडे ने मास्क के उपयोग के बारे में बात करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है।
मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, अभी फ्लू के लक्षण नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। आओ नमन करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आया, खुशनसीब है वो वीर जो देश के काम आया। कारगिल के वीरों को शत शत नमन। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों की सराहना की है जिन्होंने अपनी अधिकतम और सक्रिय भागीदारी से सरकार की पहल माय जीओवी को समृद्ध बनाया है। इस पहल को शुरू हुए आज 6 साल हो गए हैं। नागरिक केंद्रित इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत लोगों को सरकार के साथ जोड़ने के लिए, सशक्त बनाने और देश में सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। बिहार में बाढ़ की विभीषिका जारी है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल तथा पश्चिम चंपारण में बाढ़ का सर्वाधिक प्रकोप है। लगभग 11 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल की 22 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 15,000 लोग 28 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हुई है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन अब भी 26 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। राज्य में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। 48,000 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। धुबरी, बारपेटा, मोरीगांव और ग्वालपाड़ा बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों में आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। चेन्नई में तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आंधी और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर में तापमान 19 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आसमान बादलों से घिरा रहेगा तथा वर्षा और गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहने लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल छाने का अनुमान है। तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चंडीगढ़ में भी बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना की प्रशंसा की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, सकारात्मक दृष्टिकोण आपदा को अवसर में बदलता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना संकट अभी टला नहीं है, बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 64% हुए और बिहार और असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।